हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी फाइल स्टोर की जो डॉक्यूमेंट्स है इनको हम लोग जो है वो कैसे अपडेट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम इसमें लाइव जो है वो अपनी प्रोफाइल को जो है वो अपडेट करेंगे। जिस तरीके से हम लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपना जो है वो बाकी डेटा जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से आज हम लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल का जो यहाँ पे जो हम लोग ऐप बना रहे हैं उसके अंदर जो है वो हम अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही इजी मेथड होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आप लोगों के लिए रिएक्ट नेटिव में जो होगा, ताकि आप इसको जो है वो जस्ट अभी हम लोग सिर्फ प्रोफाइल अपडेट करेंगे, लेकिन यही फंक्शन जो है वो आपका बहुत सारे जो है वो फंक्शनैलिटीज एप्लीकेशन के अंदर जो है वो उनके अंदर यूज करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो प्लेलिस्ट आने वाली है उसके अंदर हम लोग जो है वो वेब टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे और मशीन लर्निंग के ऊपर भी जो है वो हम लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो लेके आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को रिएक्ट नेटिव को कंप्लीट बेसिक से समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो है उसको पहले लेक्चर से जो है वो स्टार्ट करें, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लर्न हो सके। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने यही प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे हम लोगों ने सेव डेटा का फंक्शन बनाया, बटन बनाया था, इसी बटन के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो अपडेट डेटा का जो है वो बटन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सपोज करें कि अगर हम लोगों ने पहली दफा रिकॉर्ड अपना ऐड किया है, ऐड करना है हम लोगों ने पहली दफा, तो हमारे पास जो है वो सेव डेटा का बटन जो है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारी प्रोफाइल में डेटा पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो है वो अपडेट डेटा का जो बटन है उसको डिस्प्ले करवा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो प्रोफाइल स्क्रीन है हमारी, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम एक बटन क्रिएट किया था अपना टचेबल ओपेसिटी। मैं इसी टचेबल ओपेसिटी को जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा यहाँ पे, ताकि हम लोग जो है वो इसको अपडेट बटन के लिए भी जो है वो यूज कर सके। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगा, लेकिन सॉरी, इससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक कंडीशन लगा लेंगे यहाँ पे। सपोज करें मैं यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा। कंडीशन में मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, इफ अगर एड्रेस जो है नॉट डबल इक्वल टू जो है वो नल है एंड ओके सॉरी इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये नल इक्वल होना चाहिए, नल है एंड, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपना टचेबल ओपेसिटी कि अगर एड्रेस की वैल्यू जो है वो अभी भी नल है तो फिर वो हमें जो है वो सेव डेटा वाला बटन जो है वो डिस्प्ले कराएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नल नहीं है तो फिर ये बटन हमें डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी आपके पास जो है ये बटन डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी को कंडीशन को कॉपी कर लेंगे अपने पास, और इसमें यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इफ नॉट डबल इक्वल टू नल, मीन टू से कि अगर आपका एड्रेस जो है वो नल नहीं है तो फिर ये कलैदा से हम लोगों ने बटन जो है वो डिस्प्ले करवा लिया है। अभी इस बटन के अंदर जो है वो हम लोग इसका जो कलर है वो डिफरेंट कर लेंगे, ताकि हमें डिफरेंस जो है वो नजर आ जाए। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ब्लू, एंड सेव डेटा के बाद जो है वो हम लोग जो है यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल लिख लेंगे, अपडेट प्रोफाइल, एंड देन यहां पे हम लोग सेव डेटा की जगह पे लिख लेंगे अपडेट प्रोफाइल। ओके, अपडेट प्रोफाइल पे हम लोगों ने जो है वो एक फंक्शन अभी ऊपर जो है वो टॉप पे क्रिएट करना है, जहां पे ऑलरेडी हम लोग जो है वो सेव डेटा वाला फंक्शन ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो सेव डेटा का जो फंक्शन है हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसी फंक्शन को जो है वो डुप्लीकेट कर लेंगे और सेव डेटा की जगह पे जस्ट हम लोग जो है वो अपडेट प्रोफाइल का जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारा जो कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सी फील्ड है जिसको हम लोग अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। याद रखें कि सेट डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली आप ये समझ रहे होंगे कि सेट डॉक्यूमेंट भी तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट करता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाम चेंज किया था तो उसने उसको अपडेट कर दिया था। लेकिन ये चीज याद रखें कि सेट डॉक्यूमेंट जब आपका रिकॉर्ड आप ऐड करते हैं
तो आप उसमें जितना रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो बाकी सारी फील्ड्स को डिलीट कर देगा और जस्ट वो जो आपने रिकॉर्ड एंटर किया जस्ट उसको अपलोड करेगा। लेकिन जो अपडेट डॉक्यूमेंट है ये आपकी स्पेसिफिक फील्ड्स को अपडेट करता है, जिस फील्ड को आप लोग अपडेट करवाना चाहें ये उस फील्ड को अपडेट करता है। दैट इज वाई जो है वो अगर आपने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट डॉक्यूमेंट का जो फंक्शन है हमें वही यूज करना पड़ेगा। फायरस्टोर डेटाबेस को जो है वो हम लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक रिकॉर्ड एंटर किया था जो कि यहाँ पे अभी हमें डिस्प्ले भी हो रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, ऐड डेटा वाली जो हमारे पास लाइब्रेरी थी यहाँ पे फायर स्टोर के अंदर, इसमें हमें देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक अपडेट डॉक्यूमेंट का जो है वो यहाँ पे जो है वो लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है अपडेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओके यहाँ पे ये वाला कोड जो है वो आप लोग यूज करेंगे, लेट्स सपोज अपडेट डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ओके मैं इसको खुद से ही ऐड करवा लूंगा, यहाँ से हम जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे ओके और यहाँ पे जहां पे हम लोगों ने अपडेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहीं पे हम लोग जो है वो इसको पेस्ट करवा देंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन को हम लोग रिमूव करवाएंगे, सेट द कैपिटल फाइंड वगैरह वगैरह, ये आप लोगों के पास एक फील्ड को जो है वो अपडेट कर रहा है। तो हम लोग ने जिस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है ना कि हमने कौन कौन सा रिकॉर्ड जो है वो कौन कौन सी फील्ड जो है वो हम लोगों ने अपडेट सिर्फ करनी है, हम लोग जस्ट उनको अपडेट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना रेफरेंस जो है वो सेम यही बना लेंगे ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहां पे सिटीज एंड डीसी लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको अपडेट करवा लेंगे एंड देन वाशिंगटन रेफरेंस की जगह पे हम लोग जो है वो डॉक रेफरेंस लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम जो है वो अपने पास से दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डॉक रेफ ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेम यही रिकॉर्ड लिखना है जो हम लोगों ने पहले लिखा था सेट डॉक्यूमेंट की दफा, वही हम लोग जो है अपडेट डॉक्यूमेंट की दफा लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने इन तीनों चीजों को अपडेट करने का जो है वो मतलब यहाँ पे अपडेट करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी। अगर आपने इनमें से कोई एक चीज चेंज करने पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं, वो चीज आपकी जो है वो अपडेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया योर प्रोफाइल इज अपडेटेड जब। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये अपडेट डॉक जो है वो एड नहीं था किया, तो यहाँ पे मैं इसको भी एड कर लेता हूँ। अभी हम लोग इसको जो है वो सेव कर लेंगे और अपना जो है मोबाइल पे हम लोग वो इस चीज को चेक कर लेंगे एक दफा जो है वो प्रोजेक्ट को सेव करने पे रीलोड करवा लें ओके। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का बटन भी डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग अपना जो है वो साथ फायर स्टोर को भी ओपन कर लेंगे ताकि हमें जो है वो यहां पर वो डिस्प्ले करवा सके कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है या नहीं। तो मैं यहां पर फोन नंबर जो है इसको डिस्प्ले करूंगा, यहां पर इसको रिमूव कर दूंगा 03 यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नंबर अपना ऐड कर देते हैं और हम इसको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा कोई रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक फील्ड को जो है वो उसने अपडेट करवा दिया। तो अपडेट डॉक्यूमेंट का जो फंक्शन है वो आपके पास स्पेसिफिक फील्ड्स को भी अपडेट कर सकता है और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को भी अपडेट कर सकता है आपके पास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं फायरस्टोर क्लाउड की डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद हम लोग जो है वो हमने इसको सक्सेसफुली जो है वो रिएक्ट नेटिव के साथ जो है वो इंटीग्रेट करवा लिया है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।